हुआ, दो नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं उसके अंदर, वैभव गहलोत के नाम लिखे गए हैं, और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस किस एमएलए को कितने कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दिए पैसे, आया कहां पैसा, गया कहां, सब कुछ था उसमें। तो ये सामने आएगी तो क्या फर्क पड़ेगा सरकार को? दो नाम बता दीजिए, मेरे पास पार्ट है, बता रहा हूँ ना नाम। नहीं, जिनको पैसे मिले उनके नाम क्या? मैं बता दूंगा, कितने मिले, किसके से? मैं टेबल करना चाह रहा था उसको, टेबल। ये लेन देन कितने का हुआ डायरी में, कितने का लेन देन होगा आपको एक अंदाजन? कोई लाख दो लाख, दस बीस लाख का नहीं था, दो पाँच करोड़ का नहीं था, उसके अंदर 100, 200, 500 करोड़ का लेन देन दूसरा मेरे पास हो रहा है। बताइए, लाल डायरी आपको मिली किसे, किसने कहा था आपको लाल डायरी लानी, किस वजह से, कहां से? हमारे विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, गुड़ा मेरी मेरी जिंदगी का सवाल है, किसी भी कीमत पर ये डायरी निकाल के ला, किसी भी कोस्ट पर निकाल ला, और मैं गया, मेरे साथ दो लोग और भी थे, वो मना कर देंगे अभी, आप सबको पता है, रामलाल जी भी थे वहाँ, लाठीचार्ज भी हुआ वहाँ, वो धीरज गुजर भी था लाठी में, धीरज गुजर, ये धर्मेंद्र राठौड़ के सिविल लाइन्स में, उसका जो सोमदत्त अपार्टमेंट के अंदर 9वीं मंजिल और 8वीं मंजिल पर हमने गेट तोड़े थे, हमने जालियां काटी थी, उसके बाद डायरी को निकाला, उनकी आवाज पर था, लॉकर में थी, अलमारी में थी। अरे इनकम टैक्स वालों ने, ईडी वालों ने सीज कर लिया था, उसके बीच में से निकाले थे। सीजर तोड़ा आपने? सीजर तोड़ा, तोड़ के सरकार को बचाने के लिए। कुछ टाइम लेके ये डायरी लेके, एक विजुअल करा दीजिए आप, डायरी लेके, ये डायरी दिखा, आप हाथ में पकड़ के, एक बार डायरी लेके खोल के भी दिखा दीजिए थोड़ी सी, वो अंदर उनको पूछो, जो वो जो ला रहे हैं, ये दूसरा पार्ट है, ये खोलूंगा टाइम। डायरी कितने पार्ट है भाई साहब? पार्ट आई है, आप लोगों ने सामान राजेंद्र गुड्डा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, राजस्थान की जनता जो आदमी जेल जाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है, जिंदगी तक जब तक आखिरी दम तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, बोलता रहूंगा। कल आपने कहा डायरी सामने आ जाएगी तो मुख्यमंत्री जेल जा सकते, इसीलिए छीन लिया, इसीलिए पटका, इसीलिए मारा, इसीलिए जेल पहुंचा देगी, तो जेल में जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लड़ूंगा, और जब मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। उसमें कांग्रेस के पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गहलोत जी प्रोटोकॉल तोड़ के वहाँ के एसपी से मिलने के लिए गए थे, कपड़ा मंत्री एक एसपी से मिल रहा था, फिर वो उस एसपी को बार बार सम्मानित करने पर 7 बार लगातार फील्ड की पोस्टिंग दी गई थी, किस किस को बचाया, ये सारा इनका नार्को टेस्ट कराया जाए, मेरा मीडिया के थ्रू मांग है। और ये जेल में जो लोग बलात्कार दुष्कर्म के अंदर बंद है, उससे बड़े इस विधानसभा के अंदर बैठे हैं, ये सबसे बड़ा अपराधी और गड्ढा, लेकिन इनके सामने, इनके चारों तरफ, इनके चारों तरफ सरकार सत्ता का और फोर्स का और ताकत का इनके चारों तरफ घेरा, उसमें सारे पाप बाहर वालों के द्वारा ये करते हैं, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई केंद्र की जेल में से काम कर रहा है, उस तरीके से बाहर काम करते हैं लोग, ये सारे के सारे लोग। मैं बताना चाह रहा हूँ, इनका राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ, और यदि एक भी राजेंद्र गुड्डा राजस्थान की 36 कौम की बहन बेटी को अपनी सगी बहन से 21 मानता है, और ये इनका नार्को टेस्ट कराओ, मेरा कराओ, ये इनको यदि दुष्कर्मों में कोई डिग्री मिले तो अंदर बैठे इनको, इनके पास पीएचडी की डिग्री होगी, जिनके अंदर नाम आ जाएंगे अपने आप, मेरे से क्या पूछ रहे हो, करा दो इनका, मेरा भी करा दो, क्या हो गया? ये सारे के सारे मुझे किस तरीके से नाम बता दे आ जाएगा। गुड़ा साहब, अरे 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 भाई भाई।